हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मछली टमाटो खट्टा की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपको मिल जाए अपलोड होते ही। इसके लिए मैंने 8 पीस रोहू फिश को अच्छे से फ्राई करके रखा है। फिश को फ्राई करने से पहले अच्छे से वॉश करके उसमें स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स करके 25 से 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया था। फिर उसके बाद मस्टर्ड ऑयल से फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी फिश को फ्राई कर सकते हो। फिश को मैरिनेट करके कैसे फ्राई किया है उसका रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल में अपलोडेड है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हो। जिस ऑयल में फिश को फ्राई किया था वही सेम ऑयल में 1 टीस्पून 5 फोरन डाल के मीडियम टू लो फ्लेम में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें कटा हुआ टमाटो डाल दूँगी। मैंने मीडियम साइज़ की 10 टमाटो लिया है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। अब टमाटो को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम में टमाटो अच्छे से मेल्ट होने तक पकाना है। चेक कर लूँगी टमाटो सॉफ्ट हुआ कि नहीं। टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब इसको इसी तरह थोड़ा मैश कर लूँगी। अब इसमें मस्टर्ड सीड पेस्ट डाल के मिक्स कर लूँगी। मैंने 2 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा नमक और 1 हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पेस्ट किया था। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है, आप चाहे तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिक्स हो गया। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से गर्म पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो रेगुलर वाटर भी यूज कर सकते हो। आपको ग्रेवी थोड़ा थिक चाहिए तो कम पानी डालिएगा और ग्रेवी थोड़ा पतला चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा। अब इसको ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में बॉयलिंग स्टार्ट होने तक पकाना है। अब इसमें फ्राई किया हुआ फिश डाल के ध्यान से मिक्स कर लूँगी ताकि फिश टूट ना जाए। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपको मिल जाए अपलोड होते ही। अब इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो गया। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करना है स्टीम राइस के साथ या अपने मन पसंदीदा डिश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।